हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रिंग केक, वो भी बनाना वॉलनट रिंग केक। उसके लिए एक बाउल में हम लेंगे हाफ कप बटर, हाफ कप कंडेंस मिल्क, और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम सीव करेंगे एक कप मैदा, हाफ कप कोको पाउडर, हाफ कप पाउडर शुगर, और इसे बहुत अच्छी तरीके से सीव कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसे भी हम सीव कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। और इसमें हम ऐड करेंगे वैनिला एसेंस, 2 ढक्कन, जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे बनाना, जिसे मैंने चॉप किया है, और साथ ही साथ वॉलनट, जिसे मैंने बारीक चॉप किया है। आप बनाना की प्यूरी भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे चॉप्ड बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें हम डालेंगे हाफ कप मिल्क और इसका एक बहुत अच्छा बैटर तैयार करेंगे। और इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस, करीबन 2 टेबलस्पून। और बस हमारा ये केक का बैटर बनके बिल्कुल ही तैयार है। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे रिंग मोल्ड में, जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके और मैदा से डस्ट करके तैयार कर रखा है। इसमें हम डालेंगे हमारा मैदा वाला केक का बैटर, कुछ इस तरीके से। और फिर हम इसे टैप कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 7 मिनट्स। 7 मिनट बेक करने के बाद ये बिल्कुल ही तैयार है। और इसे हम देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा स्पंजी तैयार हुआ है। इसे हम एक पैन में निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर हम शुगर डस्ट कर देंगे। इट इज़ ऑल डेकोरेशन पार्ट। और शुगर डस्ट करने के बाद इसके बीच में हम ग्रेप्स रखेंगे। आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, या इसको ऐसे सिंपल प्लेन रख सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। मैं इसके डेकोरेशन को और अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ ग्रेप्स डाल रही हूँ।
जो इसे और भी अच्छा लुक देगा। एंड नाउ आवर बनाना वॉलनट रिंग केक इज रेडी। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना माउथ ड्रूलिंग बना है। सी द सॉफ्टनेस, वाओ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ है और ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। आप यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।